नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। सो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट इस बार सत्र 2024 में बीएफए या फिर और भी जो सीयूटी के अंडर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कोर्स आते हैं, जो भी लोग बीए हो गया, बीकॉम हो गया, एनी अदर बहुत सारे एग्जाम होता है, जो भी हो गया, जो इनका एग्जाम देगा, खास करके उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी अभी खास नोटिफिकेशन आया है, मैं आप लोगों के बता दूं कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है, वो सीयूटी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसका जो पैटर्न है वो लगभग चेंज करने वाला है सीयूटी इस बार। दोस्तों, इस बार जो सीयूटी है एग्जाम के पैटर्न को चेंज करने वाला है, और ये कंफर्म बात नहीं कि चेंज करेगा, लेकिन हाँ कुछ बदलाव होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, एनसीईआरटी के अंदर डीपली में भी जाके पढ़िए, क्योंकि अगले बार जो क्वेश्चन आया था आसान क्वेश्चन आए थे, इस बार हार्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग से बता दूं, और एक बात कि जो इसका फॉर्म आने वाला है, यूजी का सीयूटी का फॉर्म आने वाला है, ये 19 फरवरी इसका डेट है, 19 फरवरी से इसका फॉर्म आने वाला है। तो आप लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और पढ़ना चालू कर दे। और एक सबसे बड़ी बात, और ये अच्छी बात है, कि आप लोगों का जो एग्जाम है, आप लोगों का कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो डेट आया है लगभग 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में आप लोग का जो एग्जाम है वो लगभग करा दिया जाएगा। बीएफए का हो, बीए का हो, बीकॉम का हो, बीए ऑनर्स, एनी अदर सब चीज, जो भी जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, सीयूटी के अंतर्गत आता है, वो सब का एग्जाम जो है ये 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में होना सुनिश्चित किया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है डेट। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारा वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये आप लोगों के लिए खासकर। और दोस्तों, आप हमारा वीडियो हमेशा देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ही मैं लगातार आप लोगों को खबरें पहुंचाता रहूंगा सीयूटी से रिलेटेड, बीएफए से रिलेटेड, खास करके क्योंकि मैं विजुअल आर्ट का स्टूडेंट हूं। और दोस्तों, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब एग्जाम लेता है तो लगभग जो उसका सेंटर जाता है एग्जाम का, वो लगभग बनारस के आसपास ही जाता है, या फिर कभी कभी लखनऊ वगैरह भी चला जाता है। लेकिन इस बार जो है सबसे अच्छी खबर आई है आप लोगों को, कि बहुत लोग सोचते हैं यार कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि ये इस बार हाइब्रिड मोड में भी एग्जाम आपका हो सकता है, कि इस बार ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकता है और ऑफलाइन भी एग्जाम हो सकता है। और एक अच्छी बात यह है कि अब आप लोग को दूर नहीं जाना होगा एग्जाम देने के लिए दोस्तों, इस बार होम टाउन में आपको एग्जाम देना होगा। बहुत ही अच्छी खबर है आपके पास, कि बहुत लोगों को दूर जल के जाना पड़ेगा, बहुत दूर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भरे होते हैं तो बनारस आना पड़ता है, या फिर तो ये उनके नजदीकी टाउन, होम टाउन में सेंट्रल दिया जाएगा, सेंटर जो है जाएगा और आप लोगों को वहीं पर एग्जाम कराया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खास बात है। और एक बात, हाइब्रिड मोड कर दिया गया है दोस्तों, तो इसमें आप सचेत रहिए, और इस बार ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, यानी कि ट्रिक लगाकर। तो आप लोग अच्छे से मदद कीजिए और सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और हाँ, एक बात, यदि आप कहीं घूम रहे हैं या फिर कुछ और भी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई में लग जाइए, सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 15 मई से 31 मई कितना समय है बताइए आप लोग के पास, ज्यादा समय नहीं है, एक दो महीने की बात है बस, एक दो महीने का, फरवरी आ गया, 19 फरवरी से आप लोगों का आवेदन पत्र आने आ जाएगा, तो आप लोग बस चालू हो जाइए और जी जान लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप लोग बीएचयू को हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो लगे रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, नहीं तो कहेंगे वो लोग ना कि देखो ये अपने देख लिया और आगे भाग गया और मेरे को बताया ही नहीं, वो पीछे रख जाएगा। तो ऐसे ही कुछ और खबर मैं आपको पास लेते जाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।